हमारे साथ भी हैं विवेक पांडे जी, जो कि अयोध्या से और अवध रतन से भी इन्हें सम्मानित करा गया। इन्होंने अभी हाल ही में एक पिक्चर रिलीज होने वाली जिसमें इन्होंने रोल भी करा है और पूरे देश में इन्होंने गाने गाए हैं जाके, स्वच्छता को लेके भी इन्होंने अभियान में साथ दिया है। आइए बात करते हैं विवेक जी से। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्पीच में। आपने इतनी छोटी उम्र से जो है आपको अवध रतन से सम्मानित करा गया है, तो इसके पीछे आपको किसका रहा, माँ बाप का योगदान रहा, आपके कौन गुरु रहे, क्या रहा? हमारे गुरु थे परमादर यादव जी ने, और माँ बाप के साथ साथ मेरी दादा और दादी का विशेष पर हमारे पीछे, क्योंकि मम्मी पापा से उनसे बाहर रहते थे और दादी और दादा गाँव में रहते, उन लोगों का सपोर्ट किए और साथ साथ हमारी फैमिली और समाज का भी सपोर्ट मिला हमको, और आज इस मुकाम पर आ सकते आशीर्वाद से। अच्छा, आपको जब पहली बार अवध रतन मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे अपने ज़िले में फैजाबाद अयोध्या में मुझे अवध रतन मिला, सबसे बहुत खुशी हुई, और तमाम समाज के लोगों ने मुझे बताई, अभी भी बहुत खुशी महसूस हुई। अच्छा, आपने गीत भी गाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें में किसमें ज़्यादा अच्छा? ये शुरुआत मैंने गीत से की, और आज कल अवधि भोजपुरी तमाम गायक गीत के साथ साथ फिल्म अभिनेता भी बन चुके हैं। मेरा भी सपना है कि गीत संगीत के साथ साथ एक सफल एक्टर बनूं। अच्छा, आपने जैसे कि बात करते हैं गायक गायक गाने गाए हैं, तो आपने किन किन सिंगरों के साथ में गाने गाए हैं? या हम मनोज तिवारी जी के साथ भी कार्यक्रम कर चुके हैं, और तमाम हिंदी सिंगर के साथ, बॉलीवुड सिंगर के साथ भी कार्यक्रम कर चुके हैं। परम आदरणीय अभी मनोज तिवारी जी ने भी हमें छठ पूजा पे दिल्ली में सम्मानित भी किया था, तमाम भोजपुरी कलाकारों के साथ हम कार्यक्रम कर चुके हैं। अच्छा विवेक जी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप भोजपुरी की कोई दो लाइनें जो आपको गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा हो, वो सुना। कि तोहरा से राजीना ये बलमुआ, तोहरा से राजीना, तोहरा से राजी ना ये बलमुआ, तोहरा से राजीना, कि हमके झूलनी बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजीना, कि हमके झूलनी बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजीना। बागू लगाया ना ये बलमुआ, बगीचा लगाया ना, बागू लगाया ना ये बलमुआ, बगीचा लगाया ना, बागू लगाया ना ये बलमुआ, बगीचा लगाया ना, कि हमका ने बुला बिना तरसौला बलमुआ, तोहरा से राजीना। अच्छा, जैसे कि विवेक जी, आज के समय में अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं और अपने मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बहुत प्रकाशित करा जा रहा है और लोगों को जागरूक करा जा रहा है, तो क्या इसको जागरूक करने में आप कुछ गीतों के माध्यम से? बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग से रेल स्टेशन मेरा हुआ है, और तमाम इसको लेकर तमाम कार्यक्रम हम लोगों को करने पड़ रहे हैं, तमाम गीत भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, स्वच्छता अभियान पे, तमाम ऐसी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उस पर गाने भी गाने पड़ते हैं। अभी एक हाल ही में हमने प्रोग्राम के माध्यम से गाना गाया था कि बेटी बेटा में फर्क ना जतावा पिया, सबके पढ़ावा पिया ना, बेटी बेटा में फर्क ना जतावा पिया, सबके पढ़ावा पिया ना, बेटिया सली खजाना पिया कहा मोर माना, बेटिया सली खजाना पिया कहा मोर माना, लड़कियाँ से नौना लिखावा पिया, सबके पढ़ावा पिया ना, बेटी बेटा में फर्क ना जतावा पिया, सबके पढ़ावा पिया ना। अच्छा, अब गायक कलाकार के बाद में जैसे कि आप फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, तो आगे आपकी क्या इच्छा है, क्या बनना चाहते हैं? आगे गीत संगीत के साथ साथ मैं फिल्म में सफल अभिनेता बनूं, मेरी यही दिली इच्छा है, क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ समाज से भी परम आदरणीय राजन पांडे जी ने मुझे अपनी फिल्म में मौका दिया, और उसमें तमाम बड़े सिंगर अवधित नारायण जी, दिवाकर द्विवेदी जी ने भी गाना गाया, उदित नारायण जी ने भी गाना गाया है, और मुझे बतौर उसमें एक्टिंग करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, 23 तारीख को हमारी फिल्म फैंटास्टिक फिल्मियाँ अवध की सभी सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, और मैं सभी दर्शकों से एक बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे सभी कलाकारों को और सभी फिल्मों को आपने प्यार दुलार आशीर्वाद दिया, वैसे हमारी आने वाली फिल्म अवधि फिल्म फैंटास्टिक फिल्मियाँ को भी आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दें। अच्छा, जैसे कि विवेक जी, आज भी आप स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गाने गा रहे हैं, तो क्या भविष्य में भी ये आप करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो रीत जो वो है, वो अभी जब तक मेरे देश से मेरे समाज से ख़त्म नहीं हो जाए तब तक मैं गाता हूँ।
अच्छा, हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को स्वच्छता और बेटी बचाओ के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? स्वच्छता मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जो जागरूक करने के लिए तमाम नीति हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हम लोगों के सामने दे रही है, उसको गौर करें और बेटी बेटा में और कन्या भ्रूण हत्या स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान दें। इंडिया स्पीक से बात करने के लिए बहुत बहुत